पुरखों से सुना है कि आधी रात में अगर कोई तुमसे बात करता है तो तुम उसकी बात का जवाब देते हो, कोई मन्नत मानता है तो उसकी इच्छा पूरी करते हो। तो बताओ ये सच है कि नहीं कि एक लड़की जब उसकी शादी हो जाती है तो औरत कहलाती है और एक औरत तब तक पूरी औरत नहीं होती जब तक वो बच्चे की मां नहीं हो जाती है। तुमने मुझे सब कुछ दिया, अच्छा घर वर, फिर मां कहलाने वाला एक बच्चा दे देते तो क्या बिगड़ जाता? आरती बोलो भगवान, जवाब दो। तुम तो बहुत दयालु हो, हर किसी का अच्छा चाहते हो, फिर क्यों चाहते हो कि लोग मुझ पर उंगली उठाएं? क्यों ये कहलाना चाहते हो कि वो जो जा रही हो आलोक की पांच पत्नी है? आरती क्या हो गया तुमको? मेरी बात का जवाब दो भगवान, एक बार कह दो कि मैं बांझ हूं। डॉक्टर मुझे लगता है तुमने बीड़ा उठा लिया है हर अनाथ बच्चे को गोद लेवाने का। काश मैं ऐसा कर पाता। कैसे लोग बाबू? अच्छा काम करने वाले चिल्ली गुहार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि फूल अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता उसकी महक क्योंकि। एक तरफ तो महक की बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ सड़क के पत्थर को उठवाकर सीने में चुभा रहे हो। शर्म करो आलोक, शर्म करो। किसी सुनसान बाग के अकेले फूल को सड़क का पत्थर कहकर तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसका जो सारे दुनिया का अन्नदाता है, पालनहार है। याद रखो नसीबे उन्हीं के चमकते हैं जो जात पात धर्म और ऊंच नीच से परे होते हैं। अगर तुम आरती को चाहते हुए देखना चाहते हो, अगर तुम उसकी आंखों में चमक देखना चाहते हो। डॉक्टर, इससे पहले कि मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाऊं किसी ऐसे बच्चे के। बच्चे ना ऐसे होते हैं ना वैसे होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। डॉक्टर तुम तो मेरी हर बात को मात दे रहे हो, मैं तो पूछने जा रहा था फॉर्मेलिटीज के बारे में। सच कह रहे हो? एक बार अपने मुंह से फिर से कहो कि हम लोग अनाथ आश्रम जा रहे हैं बच्चा लेने के लिए। हाँ आरती, कल सुबह ही हम दोनों मदर सुपीरियर के अनाथ आश्रम चलेंगे। ओ आलोक तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। सच में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और आरती मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अरे तय बहुत सारे बच्चे। जी हाँ बहुत सारे हैं। यही रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। अच्छा हेलो बेटा, हाय। ये कितने अच्छे बच्चे। हाय हाउ आर यू? बड़े अच्छे। ओह लल्ला क्या नाम है तुम्हारा? अनाथ। अरे
बड़ों को देखकर के नमस्ते नहीं, दुआ सलाम नहीं? नहीं। क्यों? बड़े दुआ देते हैं। अरे तुम तो बहुत प्यारी प्यारी हो, बिल्कुल गुड़िया जैसी, लेकिन बातें बड़ों जैसी करती हो, है ना? मदर सुपीरियर, मैं इस बच्ची को गोद लेना चाहती हूँ। जो भी आप। मैंने पहले इसका नाम रख दिया है निम्मो। अच्छा। बेटा ये आपका घर है। आंटी मेरा घर। आंटी नहीं, मम्मी। मम्मी। वेरी गुड। और वो पापा। पापा। कुछ सरप्राइज। अरे आप सब क्यों? अरे भाई हेलो, इन सबको इस खुशी के मौके पर मैंने इकट्ठा किया। आज जिंदगी में पहली बार अख्तर अपने पैसों से किसी के लिए कुछ खरीद के लाए हैं। अरे झुमरू बाबा, केक में अटक गए कि छुरी में लटक गए? चलो देखते हैं। ये सब तमाशा करने के लिए किसने कहा था? मैंने। और मुझे बताया तक नहीं? एक्सक्यूज मी। ये क्या हो रहा है? क्यों? अरे इसे तुमने यहाँ सुला दिया? और कहाँ सुला दिया? आरती, घर में और भी बहुत कमरे हैं। अकेली कैसे सो सकती है? ओफो, झुमरू से कह देते, वो इसके कमरे में सो जाता। तुम्हारा क्या मतलब, झुमरू सो रहा इसके कमरे में? ठीक है, कल इसका नया बेडरूम बना देते। देखना एक दिन हमारी बेटी के बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। मम्मी कैसे बनाएंगे? फिर आधे बाल तो मम्मा बनाएगी और आधे बाल निम्मो खुद बनाएगी। आरती बिटिया, टोस्ट पर मक्खन लगा दो वरना कुरकुराहट जाती रहेगी। आरती, आरती चलो आओ। हेलो, हम अपनी बेटी के बाल बना रहे हैं, प्लीज आप खुद खा लीजिए ना नाश्ता। झुमरू बाबा, झुमरू बाबा साहब को नाश्ता करा दीजिए। हेलो हेलो आरती साहब, मेम साहब तो निम्मो बिटिया के साथ शॉपिंग करने गई हैं। ओफो निम्मो, ये क्या करती हो गए ना मेरे कपड़े गंदे। पापा। क्या बात है, क्यों डांट रहे थे? अरे मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मैंने कितने दफे कहा है कि मेरी बेटी को ना डांटा करो। कोई बात नहीं बेटा, नाराज नहीं होते। अच्छा ये बताओ, निम्मो की मम्मी कैसी है? अच्छी 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 है। और निम्मो के पापा कैसे हैं? बुरे बुरे बुरे। ऐसे नहीं कहते पापा। देखा पापा नाराज हो गए ना? नहीं मम्मी, पापा बहुत अच्छे हैं। है ना? आरती साहब, मेम साहब तो नहीं है, वो निम्मो बिटिया आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी तो उनको आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गई और फिर शायद कह रही थी कि वहाँ। ठीक है जो बस करो, लो बैग रख लो। जी कह देना मैं क्लब में हूँ। साहब चाय तो पी लीजिए। आजकल क्या डाइटिंग कर रहे हो? नहीं छोड़ दिया है, चाय पे चाय उंडेले जा रहे हो। अनाथ बच्चे का बाप बनकर ये होना ही था, मैं जानता था। समझ गया मैं। क्या चलने लगे हो तुम भाभी और निम्मो के आपस के प्यार को देखकर? देखो अख्तर, इस वक्त मैं बहुत हॉरिबल मूड में हूँ। होना ही चाहिए। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, जाकर अपना काम करो। और प्लीज तुम जो कुछ कर रहे हो उसे बंद कर दो। एक दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ, ये सब अच्छा नहीं है। साहब आ गए? साहब को तो आए मुद्दत हो गई। खाना खा लिया उन्होंने? नहीं, बस सीधे आए और अपने बेडरूम में चले गए। लेकिन कमरा तो बंद है। ठीक है मैं देखती हूँ। निम्मो बेटी, क्या हुआ? निम्मो बेटी, पापा मैंने जानबाज करना ही थे, मेरे फ्रॉक से ही अटक कर गिर गई। हवा निम्मो बेटी, हाँ
नींबू बेटी तुम जरूर सपना देख रही हो, जागो। क्या हुआ? मम्मी मैंने एक सपना देखा। क्या? पापा मुझसे बहुत गुस्सा कर रहे थे। किससे कर रहे थे गुस्सा? मुझे मम्मी मुझे मम्मी मैंने पापा के प्यारे हस्ते तोड़ दी ना इसलिए। अरे नहीं बेटा, तुम सो जाओ, तुम सपना देख रही थी। पापा की प्यारी हस्ते तो वहीं पे है, पापा फालतू में गुस्सा थोड़ा नहीं करते। चलो आंखें बंद करो, सो जाओ। मुझे गुस्सा क्यों करते? मैं तो पापा को बहुत प्यार करती हूँ। पापा ऑफिस से थक कर के आते हैं ना, इसलिए गुस्सा करते हैं। पर डरने की कोई बात नहीं है, पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं। और फिर तुम्हारी मम्मा तो ढेर सारा प्यार करती है ना। अब आंख बंद करो, सो जाओ। आरती, आरती। इसके बाद मैंने सुना मम्मी जाओ पापा बुला रहे हैं। आरती, क्या हो रहा सवेरे सवेरे? वही जो रोज होता है। क्या होता है? मैं पूछ सकता हूँ कि ये खिलौने और ये कपड़े मेरी अलमारी में किसने रखे हैं? क्या हो गया तुम्हें, पागल तो नहीं हो गए? पागल? पागल तो तुम हो गई हो, जब से वो अनाथ बच्ची घर में आई है। उसे अनाथ मत कहो, वो कल तक अनाथ थी, आज निम्मो है, हमारी बेटी। आरती, मेरी नजर में और तुम्हारी नजर में काफी फर्क है, और हमारी समझ में भी। समझ? अगर इतनी समझ होती तो ना समझी की बातें नहीं करते। कहना क्या चाह रही हो तुम? वही जो तुम नहीं समझ रहे हो। तुम समझते हो कि सिर्फ मर्दों को यहाँ की ऊंची आवाज करके बोले? क्या किया मैंने ऐसा जो? मैंने क्या किया है? वही जो नहीं करना चाहिए। अच्छा, उस अनाथ बच्ची को इस घर में लाकर? अनाथ मत कहो आलोक। हाँ, जुर्म तो मैंने किया है ना उसे इस घर में लाकर। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तुमने तो बहुत बड़ा उपकार किया था मुझ पर और उस मासूम पर, लेकिन तुम्हारी गलत सोच ने मेरी सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। तुमने भी यही जुर्म किया है, मेरे हिस्से की हर खुशी को छीन लिया है तुमने। तुम्हारे एहसास ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं क्या न करूं। ये दशा तो मेरी है, एक बदनसीब माँ जो गोद लेने के बाद भी, एक चांद की गुड़िया को अपनाने के बाद भी ना खुद करार पा सकी और ना ही उस अभागन को ममता की छांव दे पाई। हेलो, हेलो आरती। आलोक, निम्मो घर वापस नहीं आई, स्कूल की बस आ गई, सारे बच्चे आ गए, निम्मो नहीं आई। हाँ, मैंने किया था, मैंने स्कूल फोन किया, चपरासी ने कहा सारे बच्चे जा चुके हैं, वो नहीं आई। अब तो तुम खुश हो ना? वही तो डरती थी तुमसे, हमेशा तुम नाराज रहते थे। आलोक, मुझे डर लग रहा है कि वो किसी बस के नीचे ना आ जाए। अगर मर गई तो तुम देखना, आई नो यू आर वेरी हैप्पी। द लीस्ट यू कैन डू इज कि जब तुम आ रहे हो और अगर कोई तुम्हें बस के नीचे कुचली हुई लाश मिले तो मेरे दर्शन के लिए ले आना। चौकीदार, चौकीदार। जी साहब। चौकीदार, दरवाजा खोलो। साहब, स्कूल बंद हो गया साहब। देखो, हमारी बेटी निम्मो अभी तक घर नहीं पहुंची है, मैं देखना चाहता हूँ। हम नहीं खोल सकता साहब। तुम दरवाजा खोलो। हम चेक किया साहब, 3 बजे सब बच्चा चला गया। चौकीदार, मैं खुद देखना चाहता हूँ, तुम दरवाजा खोलो, जल्दी करो। जल्दी करो।
निमो। पापा आई एम सॉरी। ना बिटिया ना, पापा इज सॉरी, पापा इज सॉरी। ये लो निम्मो बिटिया, आ गए हम लोग घर हैं। अरे अरे, हमारी निम्मो बिटिया मिल गई। निम्मो बिटिया मिल गई। हे भगवान, तेरी बड़ी बड़ी मेहरबानी। आरती बिटिया, आरती बिटिया, निम्मो बिटिया मिल गई। अरे भैया लोग, बड़ी देर लगा दी, कहाँ मिली बिटिया? स्कूल में थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आरती की तबीयत जरा खराब हो रही थी, ड्रेस से होने लगी थी, मैंने एग्जामिन करना चाहा तो। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर, कांग्रेचुलेशंस की बात तो है ही, जब सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो। अरे नहीं, डबल कांग्रेचुलेशंस, तुम बाप बनने वाले हो। यस। क्या कहा? मिसेस आरती इज प्रेग्नेंट। मोहला मोहला, मैं बाप बनने वाला हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर, बाप तो मैं पहले से था, दरअसल कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात यह है, वो बहन बनने वाली है। यस। थैंक यू वेरी मच। आरती आरती, कहाँ चली गई थी मेरी बेटी? मम्मी से नाराज हो गई थी। मम्मी को छोड़कर क्यों चली गई थी? पनिशमेंट लिख रहे थे। पनिशमेंट? पापा आई एम सॉरी लिख रहे थे। अले ले ले। मम्मी मेरे और पापा की दोस्ती हो गई। अले मेरे लाल। क्या हो रहा है? हमारी बिटिया मम्मी से शिकायत कर रही है? नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे बात कर रही थी, है ना? आरती, निम्मो बहन बनने वाली है। Thank you.